राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। मैं आज आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ मटर पनीर की रेसिपी। मटर पनीर तो बहुत तरह से आप बनाते होंगे, लेकिन इस तरह से बनाएं और खाएं और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका मटर पनीर कैसा बना। अगर ये मटर पनीर की रेसिपी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस तरह जिस तरह मैं बताया हूँ उस तरह अगर मटर पनीर बनाएंगे तो आपका बहुत बेहतरीन मटर पनीर बनेगा। तो देखिए, हम ये आधा किलो पनीर दिए हैं और ये 20 ग्राम अदरक और 10 ग्राम लहसुन और ये आधा किलो मटर दिए हैं। आप चाहे तो कोई भी मटर दे सकते हैं। और ये 4 प्याज है और 5 टमाटर है। और इस तरह से पीछे का हिस्सा हटाते हुए अब पतला पतला चॉपिंग कर दें सारे प्याज को। ये देखिए, मैं एक पैन ले लेते हैं और पैन में आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, मक्खन से भी आप बना सकते हैं। ये हम सरसों तेल डाले हैं, ये सरसों तेल मात्र 1 चम्मच है। और ये जो हमने 4 प्याज दिया था बारीक चॉपिंग कर दिए हम इसको, और हल्का इसको भून देंगे। और यहीं पे जो अदरक लहसुन हमने दिया था उसको बारीक छील के, अदरक को धो के लहसुन को छील कर हमने इसमें डाल दिया है। और यहीं पे हम जो 5 टमाटर दिए थे उसको भी रफली काट के और इसमें हम डाल देते हैं। और इसको हम थोड़ा भून लेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, क्योंकि ग्रेवी इसी का बनाया जाता है। अलग अलग आप चाहें तो अलग अलग भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। प्याज को अलग भून के पीस लीजिए, टमाटर को अलग और अदरक लहसुन को अलग अलग भी भून के आप कर सकते हैं। देखिए, मैं दूसरा एक पैन लिए हैं और उसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। और यहीं पे हमने ये 3 तेज़पात, 2 लाल मिर्च साबुत और छोटा आधा चम्मच जीरा हम इसमें डाल दिए हैं तड़के के लिए। उधर हम दूसरे फ्राई पैन में टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन को भून दिए हैं थोड़ा सा, उसकी ग्रेवी बनाएंगे और इसका तड़का लगा दिए हम। और तड़के में हम ये आधा किलो पनीर में आधा किलो मटर हम डालेंगे। अगर आप ये फ्रोजन मटर लगाते हैं, फ्रिज वाला मटर, तो ये भुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कर्स बना सकते हैं आप। और ऐसे मटर देते हैं आप छेमी वाली मटर, तो उसको भूने जरूर, क्योंकि वो हार्ड हार्ड रह जाता है। पीस आपको जितना इच्छा करे, छोटा बड़ा उस हिसाब से काट सकते हैं। एक नॉर्मल साइज ऐसा होता है पनीर का, जो मटर पनीर में हम छोटा रखें। जितना भी पनीर कभी भी बनाएं आप, तो छोटा कोशिश करें कि छोटा रखें, ताकि ग्रेवी उसमें अंदर तक जाता है और पनीर खाने में भी मज़ा आता है। वैसे तो बड़ा बड़ा पीस काट के हम 100 बना देते हैं, लेकिन उतना बड़ा बड़ा पीस नहीं काटना चाहिए आदमी को। जितना छोटा काटेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से हम पनीर काट लिए हैं और जो हमने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को भुना था उसको जार में डाल देते हैं और इसका ग्रेवी हम तैयार करते हैं। तो इधर हमारा मटर भून गया है और जो हमने टमाटर प्याज की ग्रेवी तैयार की थी उसको एकदम फाइन पीसें आप, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को। और मटर हमारा भून चुका था तो इसी में हम डाल देते हैं। मटर को 2-3 मिनट भुने हुए हुआ था, 2-3 मिनट हमने प्याज टमाटर को भुना था, उसको ठंडा करके फिर पीस दिया है। और देखिए, इसमें हमने ग्रेवी जो पीसा था उसमें हमने मटर में डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे बढ़िया से। ये देखिए, धनिया पाउडर हमने 2 छोटा चम्मच डाला है इसमें। जो भी चीज़ की आप ग्रेवी बनाते हैं उसमें धनिया पाउडर ज़्यादा डालें। 1 चम्मच हल्दी डाले हैं, देखिए 1 चम्मच देगी मिर्च है, 1 चम्मच किचन किंग है, किचन किंग हमने छोटा 2 चम्मच डाल दिया इसमें। और इसको हम बढ़िया से चला देंगे। और यहीं पे 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने लाल मिर्च दिया है, कुल मिला के हमने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च हो गया हमारा। और यहीं पर स्वाद अनुसार नमक डालें, मैंने 1/4 चम्मच हमने नमक भी डाल दिया इसी चम्मच से।
एकदम ही आसान तरीका है मटर पनीर बनाने का, और एकदम टेस्टी, और एकदम मसाले जो भी आप इसमें, सब घर वाले मसाले हैं इसमें, कोई बाहर का मसाला नहीं है। और इसको हम बढ़िया से 5 मिनट पका लेंगे, और देखिए पकाने के बाद जो भी थोड़ा सा हमने तेल डाला था वो इसमें आने लगा है, इसका मतलब कि हमारा मसाला भून चुका है। अब जब भी 5 मिनट के लिए ढक के भूनते हैं तो बीच में एक बार ढक्कन को हटा के नीचे देख लें, अगर मीडियम से ज़्यादा फ्लेम रख रखे हैं तो एक बार आप चला के ज़रूर देखें कि नीचे से लग तो नहीं रहा, नीचे से जल तो नहीं रहा है। और यहीं पर जो हमने पनीर काटा था 1/2 किलो इस शेप में, उसको भी मिला देते हैं। देखिए हमारा मटर पनीर कितना बेहतरीन बन के तैयार हो गया है। अब इसको ज़्यादा देर, अब इसमें चाहे तो आप थोड़ा इसको पतला भी कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने 1 चम्मच मक्खन डाल दिया है, और ये जितना आप पतला चाहें थोड़ा, इसको तो थोड़ा ग्रेवी मोटा ही होता है तो इतना कम से कम मोटा रखें मटर पनीर के लिए। देखिए हमारा मटर पनीर कितना बेहतरीन, इसमें आप कदर अभी आपको नहीं मिल रहा है, कदर देगी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाले, अगर ज़्यादा कदर बनाना है तो देगी मिर्च से कदर आ जाता है। और देखिए कितना बढ़िया खौल रहा है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इतना ही 1 ही चम्मच देगी मिर्च, देखिए ऐसे कदर में आ जाएगा। और इसी में हमने थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल रखा है यहाँ पे, इससे तो टेस्ट भी बढ़ जाता है और शो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो क्रीम डालें ज़रूर आप, जब मटर पनीर बनाए तो, शाही पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए तो ज़रूर क्रीम डालें। ये देखिए हमारा मटर पनीर कितना बेहतरीन बन के तैयार हो गया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको बढ़िया लगता है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपका ये मटर पनीर का वीडियो कैसा लगा, या आपने बनाया तो कैसा बना। फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।